हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को स्किप करे बिना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू। तो देखिए दोस्तों, हम सिंपल सी मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। यह है 12x² - 7x+1। यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कब बनाए सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक है यहाँ पे 12 है, तो लास्ट में हमको गुना करना है। सिंपल सी गुना करेंगे। यहाँ पे 12 × 1 = 12। और फिर ऐसा अंक से गुना करना है जो जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 12। तो हम 4 और 3 ले रहे हैं, तो 7 हो जा रहा है, और 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 हो जा रहा है। दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा यह कैसा आ गया। दोस्तों अगर आप बनाने लगेंगे तो आपको आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है 12 है, तो यहाँ पे भी हम 12x² यहाँ पे है, तो 12x² माइनस तो माइनस, और यहाँ पे है 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 12। तो यानी यहाँ पे 4 ले रहे हैं, और यहाँ पे तो प्लस है तो प्लस दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पे 3 दे देंगे, और एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सी आपको क्या करना है, इसमें इसको सब में गुना करना है। तो 12x² तो 12x² माइनस से तो माइनस, और प्लस है तो 4x, और उसके बाद फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x होगा और प्लस 1। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। आपको देखिए ध्यान से समझिएगा ताकि आपको कॉमन लेना चला है। देखिए यहाँ पे है 12x², यहाँ पे भी 4x है, तो सिंपली सी आपको क्या करना है, x कॉमन लेना है, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, और 4 कॉमन लेंगे तो यह इसके 4 के पाड़ा में भी 4 है, और 4 के पाड़ा में भी 12 है, तो यहाँ पे हम 4 लेंगे कॉमन। 4x को मिलेंगे तो 3x बचेगा, माइनस तो माइनस है हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि ये तो दोनों कट गया है। अब उसके बाद फिर माइनस हम कितना को मिलेंगे, जो इसमें भी x है और इसमें x नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, तो यानी हम इसमें कोई भी हम कॉमन नहीं लिया जाएगा, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 3x होगा, अब माइनस है तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3x - 1 यहाँ पे भी है, और 3x - 1 यहाँ पे भी है, तो हम एक पद यहाँ पे लिख देंगे 3x - 1, और फिर यहाँ पे भी एक पद है 4x - 1, जो कॉमन लिए थे हम लोग, यह हो गया आपका। और दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चल दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए 2x² + 7x + 3, यानी ये मैंने 2 नंबर क्वेश्चन उतार लिया। और सिंपली से क्या करेंगे, हम इसको लास्ट से अंक से गुना करेंगे, तो 2 × 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। और ऐसे अंक से गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 7 आ जाए, तो यहाँ पे मैंने 6 × 1 करेंगे लोग तो 6 हो जाएगा, 6+1 करेंगे तो यानी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x² तो 2x² लिख देंगे, आप प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 6 है पोस्ट में डालेंगे, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग प्लस है तो प्लस 1, यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे प्लस 3। उसके बाद क्या करेंगे, 2x² के x² प्लस है तो प्लस 6x है तो x, आप प्लस x हो गया, उसके बाद 3। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन यहाँ पे भी इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 के पाड़ा में 3 और में 6 है, तो हम लोग 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 × 3 = 6 होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फिर हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे, इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो हम लोग सिंपल इसी एक्स एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग
ज्यों के त्यों यहाँ पे है उसको उतार देना है। उतारने के बाद सिंपल सी हमारा एक पद यहाँ हो आ गया है, तो एक पद यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स प्लस थ्री है तो थ्री लिख देंगे, और यहाँ पे है तो यहाँ पे कॉमन लिए थे यहाँ पे भी कॉमन लिए थे तो इसको उतार देना है, टू एक्स प्लस वन, यहाँ हमारा दो पद निकल चुका।